माँ जी नमो दीदी। ओ नमो दीदी। अरे कैसी हो बाबूजी? अरे नम्मू बेटी जीती रहो। कैसे हैं आप बाबूजी? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ममता दीदी अरे कैसे हो? अच्छा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। और हमारे लिए कुछ भी नहीं। अरे सॉरी। थैंक यू दीदी। दादी माँ, दादी माँ। खुश हो बेटा। कैसी हैं आप? अरे बेटा जिस दिए का तेल खत्म हो जाए उस दिए का हाल नहीं पूछते। दादी माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, लीजिए। अब हंसिए, हंसिए ना। अरे नम्मो बेटी तू अपने यहाँ आने की खबर कर देती तो मैं तुझे लेने स्टेशन नहीं आ जाता। बाबूजी जो मजा अचानक आने में है वो खबर दे के आने में कहाँ है। अरे नम्मो बेटी तू कब आई? माँ जी अरे बस अभी भी चली आ रही है। अब सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर खाली बातें करते रहेंगे, देख नहीं रही हो हमारी नम्मो बेटी कितनी दूर से चली आ रही है? थक गई होगी, जाके खाने पीने का इंतजाम। बाबूजी खाना पीना तो बाद में हो जाएगा, पहले आप ये मुझे बताइए कि लज्जी रानी कहाँ है। मैंने उसके ससुराल फोन किया था, मुझे बताया कि वो मैक के चली आई है। शादी के बाद कितनी खिल गई होगी, है ना माँ जी? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसके लिए स्विट्जरलैंड की दो टिकटें ले आई हूँ उसकी हनीमून के लिए। कितने खुश होगी ना दोनों देखकर। कहाँ है वो बाबूजी? अपने कमरे में होगी ना। देखिए आप कुछ मत बोलिए, मैं उसे जाके सरप्राइज दूंगी। ओके कौन? मैं तुम्हारा पति देव हूं, तुम्हें लेने आया हूं। अरे दरवाजा खोलती है कि नहीं? अपने पतिदेव को नहीं पहचानती क्या? मायके आके अपने पतिदेव को भूल गई है क्या? चल जल्दी से दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ए लज्जी मैं हूं नम्मो, दरवाजा खोल ना। अब देख यार इतना भाव क्यों खा रही है, चल जल्दी से दरवाजा खोल दे। प्लीज लज्जी, प्लीज मेरी जान खोल ना, खोल लज्जी। तूने जो किया ना वो बिल्कुल सही किया लज्जी, सच। अगर तू वहां से नहीं चली आती ना तो मैं तुझे वहां से निकाल कर ले आती। ब्लडी नॉनसेंस, मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं वहां जाके एक एक को सीधा करके आऊं। क्या समझते अपने आप को? क्या फॉरगेट इट। अब तू मुझे बता कि आगे का क्या सोचा है? सोचना क्या है, बस यूं ही जीना है। What? इस सफेद साड़ी में? Are you mad? अरे जिस आदमी के साथ तूने एक रात भी नहीं गुजारी उसके लिए तू? लेकिन नम्रता, ये नम्रता नम्रता क्या लगा रखा है? क्या चाहती है तू? क्या है तेरी गलती? क्या भूल की है तूने? क्या तेरी वजह से तेरा पति मर गया? क्या तूने उसकी जान ली? फिर क्यों क्यों तू ये सजा भुगतना चाहती है? क्यों? Damn it! पढ़ी लिखी होकर भी तू ऐसी बातें कर रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे लज्जी ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तू यहां बैठकर इस तरह की बातें कर रही है। हंसने से पहले तू समाज की मर्जी पूछेगी? हाँ सांस लेने से पहले तू दुनिया से पूछेगी क्या ये सही है या गलत? मैं अपनी मर्जी का खा सकती है, मैं अपनी मर्जी का पहन सकती है, ये कैसी जिंदगी है तेरे लिए? ये मैं नहीं दे सकती,
ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, मैं तुझे बता दूं कि ये सब करके ना तू समाज पर कोई एहसान नहीं कर रही है, बल्कि मैं कहती हूँ कि तुझे अपने पति के साथ जिंदा नहीं जलाकर समाज ने तुझ पर एहसान किया है। और हाँ, मैं मर जाऊंगी मगर तुझे इस तरह नहीं जीने दूंगी। I hate this orthodox attitude. नफरत करती हूँ मैं इस तरह के समाज से। And I will not let you suffer like this. Understand? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा। अरे, तुम जा रही हो बेटी? जी हाँ बाबूजी। बेटी, थोड़े दिन और रुक जाती तो लज्जी का दिल भी बहल जाता। इसीलिए बाबूजी मैं लज्जी को अपने साथ ले जा रही हूँ। ये क्या कह रही है बेटी तू? बस मुझे आप दोनों की इजाजत चाहिए थी। तू हमसे उस चीज की इजाजत मांग रही है जो हमारी नहीं रही। और फिर बेटी, अगर हम इजाजत दे भी दें तो क्या हमारा ये समाज इस बात को स्वीकार करेगा? ओफो बाबूजी, लज्जी समाज की बेटी नहीं है, आपकी बेटी है। कब तक आप समाज की दुहाई देते रहेंगे? अगर आप ये सब कुछ उसके साथ करना चाहते थे तो फिर उसे पढ़ाया लिखाया क्यों? क्यों उसे शहर भेजा? क्यों उसे दिखाया कि जिंदगी चीज क्या होती है? रहने देते आप उसे यहाँ? चढ़ने देते समाज की भेंट? और माँ जी किस समाज की पूजा कर रहे हैं आप? उस समाज की जिसके सारे कायदे कानून सिर्फ हम औरतों के लिए बनाए गए हैं? नहीं मानती मैं इस समाज को, ठुकराती हूँ इस समाज को बाबूजी। और हाँ, कुछ भी हो जाए मैं लज्जी को इस समाज की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। नमस्कार संधि जी। अरे संधि जी, आप आइए आइए। जी, वो क्या है कि मैं अपनी बहू को ले जाने के लिए आया हूँ। क्यों, आपकी नौकरानी भाग गई क्या? या गालियां देने के लिए आपको और कोई नहीं मिल रहा? क्या शायद आपके पड़ोसी आपको ताने मार रहे होंगे कि आपने अपनी बहू को जिंदा तो नहीं जला दिया? और हाँ, आपके लाडले दामाद नजर नहीं आ रहे हैं? मैं अपने दामाद, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ, आइंदा आप लोगों को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं। भूल जाइए कि लज्जी आपकी बहू है। और हाँ, आइंदा यहाँ आने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि आज से आपका लज्जी पर कोई अधिकार नहीं रहा। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अब कुछ मत बोल। लेकिन बाबूजी आप कुछ मत बोल बेटी। बेटी, अपनी लज्जी पर अब सिर्फ इन्हीं का अधिकार है, सिर्फ इन्हीं का। किसने दिया ये अधिकार? किसने? तूने? ले जा बेटी, ले जा अपनी लाजों को, ले जा यहाँ से। घुट घुट की जी रही है, अरे उसे खुली हवा में सांस तो लेने दो। खबरदार, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा और ना मेरे कोई आगे आएगा। अरे अरे, ये सफेद साड़ी पहनने की उम्र मेरी है, उसकी नहीं। रूखा सूखा खाने की उम्र मेरी है, उसकी नहीं। ले जा बेटी, ले जा। लज्जी, लज्जी। जा बेटी, जा। जा बेटी, जा सुखी रह बेटी।
fine, thank Hi. Hi. Nice to see you. Hi. Come, Lachi. हे मालिया क्या हो रहा है कैसे हो? I love beautiful. और नमो, how is my most beautiful model? I'm fine. How are you? कैसा दिख रहा हूँ भाई? वैसे तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन बियर दिखा दे रही है. अरे नमो, बियर पिएंगे तो दिखेगी तो सही ना? वो तो है. और वैसे भी हमें फिगर का क्या टेंशन? हम कोई मॉडल थोड़ी है तुम्हारी तरह. सिट डाउन प्लीज. भाई नमो, जब से तुम्हारा नया कैंपेन मार्केट में रिलीज हुआ है ना, हंगामा हो गया है. हाँ, हर कंपनी को नमो ही चाहिए. अब बताओ, अगर हर कैंपेन नमो करेगी तो कितना काम करेगी नमो हमारी? अरे मालिया, काम तो मैं सब कर लूंगी, लेकिन अभी मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि आज से जो भी कैंपेन्स है ना, मैं सिर्फ विकी के साथ ही करूंगी. अंडरस्टैंड? ओके. और हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात, ये है मेरी सहेली लज्जी. नमस्ते. तुम्हें याद है फोन पर मैंने नौकरी का रेफरेंस दिया था? अच्छा. हाँ, यही. भाई इस काम के लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हारे हैं, ये ऑफिस तुम्हारा है. अपॉइंटमेंट लेटर खुद ही दे देती लज्जी को. थैंक्स मालिया. बाय द वे, व्हेन कैन यू जॉइन? आई कैन स्टार्ट टुमारो सर. आई लाइक दैट स्पिरिट नमो, दैट्स वेरी गुड. हेलो सूजी, कैन यू कम इनसाइड? अच्छा भाई नमो, क्या लोगी तुम? कुछ नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे स्टूडियो शूटिंग के लिए जाना है. तुम सारी फॉर्मेलिटीज इसके साथ पूरी कर लेना. ओके. मैं घर पे मिलती हूँ तुमसे. ऑलराइट. ओके, टेक केयर. थैंक्स मालिया, यू टेक केयर ऑफ हर. डोंट वरी, शी इज नॉट ओनली माय फ्रेंड, शी इज माय सिस्टर. आई एम काउंटिंग ऑन यू. ओके. अरे डोंट वरी एट ऑल माय डियर, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके.